बिस्मिल्मान रहीम तो एज वी आर डिस्कसिंग स्वैप्स हम उसकी टाइप्स की बात कर रहे थे तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अ की टाइप ऑफ स्वैप दैट इज प्लेन वनीला स्वैप ये कोई आइसक्रीम का नाम नहीं है इट इज डेफिनेटली अ मेन टाइप ऑफ स्वैप विच इज एक्सटेंसिवली यूज इसमें हमारे पास दो फर्दर टाइप्स की एग्जिस्ट करती हैं प्लेन वनीला के अंदर ही वन इज द मोस्ट फेमस वन दैट इज़ प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप इसमें क्या होगा अभी विल डिस्कस अब एंड देन अनदर टाइप इज करेंसी स्वैप सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज इन टूडेज सेशन प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप इज रेफर टू एज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज इसकी एप्लीकेबिलिटी भी ज़्यादा है इसकी हमने जो एक ब्रीफ बात भी की थी ये उसकी ही कॉन्टीन्यूएशन है इफ समन हैजिक्स बोरोइंग एंड दे आर विलिंग के हमारा अपना एक्सपोयर को कन्वर्ट करें फ्लोटिंग पे एंड दे आर थिंकिंग के रेट्स कम आ जाएंगे तो दे वॉन्ट टू स्वैप इसी तरह एक अदर पार्टी है वह जिसका फ्लोटिंग रेट है एंड दे वॉन्ट टू मूव टू फिक्स रेट तो दे कैन स्वैप देयर पोजिशन इस स्वैप को हम नॉर्मली कहते हैं प्लेन पुनीला स्वैप इन दिस स्वैप पार्टी ए अग्रीज टू पे पार्टी बी अ प्री डिटर्मेंट फिक्स रेट जिसकी मैंने बात की थी कि एक फिक्स स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की पेमेंट होगी ऑन ए नोशनल अमाउंट डेफिनेटली क्योंकि किसी अमाउंट पर बेस हो रहा होगा तो वन नोशनल अमाउंट हैज़ टू बी एग्रीड और ये स्वाब की ब्यूटी है कि ये किसी भी टाइम फ्रेम के लिए आप कर सकते हैं इट्स नॉट ओनली बाउंड फॉर थ्री मंथ सिक्स मंथ आप मल्टीपल ईयर्स के लिए भी हो सकता है और डेट्स भी आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इन प्लेन स्वाब टू कैश फ्लोर्स आर पेड इन द सेम करेंसी जो इंटरेस्ट रेट वाला है इसमें सेम करेंसी में ही पेमेंट होगी दैट मीन्स नेट पेमेंट होती है इट्स नॉट लाइक वो इस मैंने आपको हज़ार देना है और आपसे बारह सौ लेना है तो ये नहीं होगा मैं हज़ार दूँ और आप बारह सौ दें फिल्ट से कि आप नेट हमें दो सौ दे दें और वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा द स्पेसिफाइड पेमेंट डेट्स आर सेटलमेंट डेट्स किस किस डेट पे पेमेंट होनी है और जो तो उसके दरमियान वाला पीरियड है दैट इज सेटलमेंट पीरियड बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स की भी वेरिएशन ओवर टाइम होगी तो ये पूरे पीरियड को कैप्चर कर रहा होगा बिकॉज स्वैप्स आर कस्टमाइज तो ये क्वार्टरली भी हो सकता है एनुअली भी हो सकता है आई जस्ट ओल्ड यू

सिक्स परसेंट फिक्स पे कर रही होगी इसको अगर आप स्ट्रक्चर को देखें ग्राफिकली तो यहाँ पे हमारे यह पास नज़र आ रहा है कि कंपनी ए जो है वो फिक्स पे कर रही है सिक्स परसेंट और जो कंपनी बी है वो पे करेगी लाइबोर प्लस वन लाइबोर इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जो भी प्रिवेलिंग लाइबोर होगा उस पर वन का स्प्रेड होगा और वो उसको पे करी तो ये इनकी डील हो गई और ये पाँच साल के लिए अपने साथ लॉक इन कर लिया फॉर सिम्प्लिसिटी ऑफ एज्यूम कि ये क्या करते हैं कि जो हमारा पीरियड है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर को पेमेंट करेंगे और ये स्टार्ट होगी टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सिक्स में एंटर हो रहे हैं तो अगले साल से ये ट्रांजेक्शन में लॉक इन कर गया और कंक्लूड हो जाएगी पाँच साल में टू थाउजेंड इलेवन में एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड सेवन कंपनी ए विल बी थ्रेटिकली पेइंग कंपनी बी ट्वेंटी मिलियन का सिक्स परसेंट यानी कि वन पॉइंट टू मिलियन इनको थ्रेटिकली उसको पे करना है लेकिन वो भी हमने वैसे बात की थी कि नेट ऑफ पेमेंट होगी तो इनकी तरफ से इतना बनता है दूसरी कंपनी से कितना बनता है पार्टी से वो पार्टी बी या जो कंपनी बी है वो कितना करेगी उसके लिए फिर हमें लाइबर रेट देखना है लाइबर रेट एट दैट पॉइंट इज़ फाइव पॉइंट थ्री थ्री अब हमारा रेट क्या था इफ़ यू कैन रिकॉल दैट वॉज फाइव लाइबर प्लस वन तो यहाँ पे अब आ गया फाइव पॉइंट थ्री थ्री प्लस वन दैट मीन्स सिक्स पॉइंट थ्री थ्री इन्होंने पे करना है पार्टी ए पे कर रही है सिक्स बी पे करिए सिक्स पॉइंट थ्री थ्री यानी कि पार्टी बी इज गोइंग टू पे हायर बिकॉज लाइबर इज अबेट ऑन अ हायर साइड अगर ये नीचे होता तो सिचुएशन कुड बी डिफरेंट तो फ्लोटिंग रेट इज यूजली डिटर्मेंड एट द बिगनिंग ऑफ द सेटलमेंट हमने पहले बात कर ली भी है अब होगा क्या जो इसकी सेटलमेंट होगी वो कैसे होगी ट्वेंटी मिलियन इंटू सिक्स पॉइंट थ्री थ्री जो कि उसने पे करना है लेस ट्वेंटी मिलियन इंटू सिक्स परसेंट जो उस पार्टी से लेना है तो नेट अफेक्टिवली सिक्सटी सिक्स थाउजेंड जो है वो कंपनी बी कंपनी ए को पे कर देगी और वो इस साल की सेटलमेंट क्लियर हो जाएगी तो अफेक्टिवली उनके पास अपना हो सकता है लोन फिक्स हो रहा होता बट नाउ दे आर गोइंग टू पे अ फ्लोटिंग रेट अफेक्टिवली उनको कॉस्ट पड़ गई सिक्स पॉइंट थ्री थ्री तो दिस वे दे कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर ऑफ वट दे ओरिजिनली हैड एंड वट दे विश टू अब ये रेट लाइबर का ज्यादा था तो दे आर पेइंग मोर लाइबर का रेट कम होगा तो दे पेइंग तो वन पार्टी इज बेनिफिशरिंग एंड अदर पार्टी इज लूजिंग इन दिस पर्टिकुलर टर्म एट नो पॉइंट डज द प्रिंसिपल चेंज हैंड क्योंकि दोनों में सेम करेंसी इन्वॉल्व है तो प्रिंसिपल की चेंज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ये कब होगी वो भी हम आपको बताते हैं प्लेन वनीला फॉरन करेंसी स्वैप जब करेंसी स्वैप की बात आएगी देन थिंग्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज नाउ टू करेंसीज आर इन्वॉल्व इसमें क्या होगा कि इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड एट द एंड ऑफ पीरियड प्रिंसिपल्स भी एक्सचेंज होंगे जैसे अगर हम दो करेंसीज में डील कर रहे हैं एक पाक रुपीज है और एक जैपनीज येन है तो शुरू में पाक रुपीज भी जाएंगे जेपनीज येन आएंगे और वापसी पे भी ऐसे ही होगा सिमिलरली इसकी भी एक एग्जाम्पल करेंगे फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट से अगर इसको लिंक करें वहां पे फर्क क्या था वहां पे प्रिंसिपल्स एक्सचेंज ना शुरू में हो रहे थे ना एंड में हो रहे थे लेकिन करंसी स्वैप में प्रिंसिपल्स शुरू में भी एक्सचेंज एक दफ़ा होंगे एंड एट द एंड ऑफ टर्म एज वेल फॉर एग्जाम्पल कंपनी सी अ यू एस फर्म एंड कंपनी डी अपियन फर्म एंटर अ फाइव ईयर कॉन्ट्रैक्ट अब ये स्वैप में गए हैं और इसकी जो अमाउंट रखी है उन्होंने फिफ्टी मिलियन डॉलर रखी अब फिफ्टी मिलियन डॉलर है दैट डजन मीन कि यह जो यूरो होगा वो भी फिफ्टी मिलियन होगा नाट्स नॉट पॉसिबल जो उस दिन का एक्सचेंज रेट होगा उसको देखेंगे वो हमने देखा वन पॉइंट टू फाइव तो दैट मीन्स ट्रांसलेट इन टू पॉइंट एट यूरो ट्रांजेक्शन में क्या लॉक हुआ यू कैन सी हेयर कि कंपनी सी ने प्रिंसिपल पे कर दिया फ़िफ्टी मिलियन डॉलर का और कंपनी डी ने प्रिंसिपल पे कर दिया फोर्टी मिलियन यूरो का यानी कि जो उस डेट पे जो रेट के अकॉर्डिंगली इफ़ेक्टिव आया उस रेट पे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को स्वैप कर लिया एज विद इंटरेस्ट रेट पार्टी विल एक्चुअली नैट द पेमेंट अगेंस्ट ईच अदर एट द प्रिंग एक्सचेंज रेट ये एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक ये चीजें फर्दर फिर मूवमेंट होंगी एंड ये भी पॉसिबल है कि दे कैन मेक पेमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव करेंसीट्स से दैट दे मेक पेमेंट एनुअली बिगनिंग वन ईयर फ्राम एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज कंपनी सी हैज बोरोड योरोज इट मस्ट पे इंटरेस्ट इन योरोज बेजड ऑन योरोट अब जो बोरोइंग का रेट होगा वो भी हर कंपनी का अपने मुल्क के हिसाब से फ़र्क होगा सो दे बी पेइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रस्पेक्टिव बोरोइंग सो फॉर दिस लेट्स से एग्री डॉलर का जो रेट है दैट इज 8.25 पॉइंट टू परसेंट पर बोर कर रहे हैं और जो यूरो डोमिनेटेड लोन है उसकी भी रेट है 3.5 परसेंट ये जो रेट्स होते हैं यू नो इंटरेस्ट रेट पैरिटीज़ और मल्टीपल फैक्टर्स को देख के दिए जाते हैं बट हमें ये डाटे में गिवन है तो वीर गोइंग टू यूज़ एंड अप्लाई दैट तो अब इसकी सेटलमेंट क्या होगी यू कैन सी एज़ वी हैव डिस्कस कंपनी सी क्या करेगी 40 मिलियन पे 3.5 परसेंट यूरो की पेमेंट कर रही होगी कंपनी डी को और कंपनी डी जो है वो 50 मिलियन डॉलर पे 8.25 परसेंट डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट कर रही होगी और जब ये ट्रांजैक्शन इसी तरह यह हर साल हो रहा होगा एंड व्हेन द टाइम फ्लाइज टाइम क्लोज फाइव ईयर्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो देन दे विल री एक्सचेंज द प्रिंसिपल री एक्सचेंज द प्रिंसिपल मतलब जो जिसने यूरो लिए हुए थे वो वापस कर देगी योरो 40 मिलियन और जो डॉलर्स डोमिनेटेड थे दे रिटर्न द टोटल अमाउंट ऑफ द डॉलर्स डॉलर दॉरट सो दिस वे दिस ट्रांजेक्शन विल कंक्लूड सो यू कैन सी इसमें हमने फाइव ईयर पीरियड को बड़े अच्छे से कैप्चर कर लिया और अपने आप को करेंसी रिस्क से हमने सेफ गार्ड कर लिया थैंक यू